नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे। तो दोस्तों, इस तरह ग्रीन स्क्रीन बैक बटन कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं। तो इसको जैसे इस तरह से आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं, इस तरह ग्रीन स्क्रीन बटन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे दोस्तों, कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब ग्रीन बटन क्लिक कर देना है। जैसे आपको सब्सक्राइब ग्रीन बटन क्लिक करके यहाँ पे कोई भी चीज़ पे आप बनाना चाहते हो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे आप आ जाते हैं बैक दोस्तों। यहाँ पे बैक आने के बाद आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है, या आप जो भी एडिट करने के लिए आप यूज कर रहे हैं वो ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमारे वीडियो पड़े होंगे, देख पा रहे होंगे कि हमने इतने सारे वीडियो ये डाउनलोड किए हैं। यहाँ पे हमको ये वाले पे क्लिक कर देना जो भी हमको बनाना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस तरह से, इसको एक बार चला के देख लेते हैं। इस तरह से ये है। तो यहाँ पे हमको अगर अपना लोगो डालना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना लोगो देख लेना कहाँ पे, तो ये लोगो है। इसको बराबर से सेट कर लेंगे, ये अलग ना लगे। ऐसे सेट करने के बाद यहाँ पे आपको अगर आपको नाम डालना है आपने, तो यहाँ पे क्लियर पे चले जाना है, टाइपिंग वाले पे चले जाना है। यहाँ पे अपना चैनल नेम डाल देंगे। हो गया हमारा चैनल नेम। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर देना। जैसे ओके ओके पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इसको जितना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये बाहर न जा पाए। इससे अगर बाहर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको इसको बराबर से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना कलर कलर चेंज कर लेना है। यहाँ पे हम रेड या रेड कलर कर लेते हैं, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन भी डाल देना है आपको, तो आउटलाइन पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे। तो जितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, या ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना नॉर्मल पे कर देते हैं। इतना करने के बाद शैडो डालना है, यहाँ पे शैडो डाल देना है। अब इसको अगर आपको दूसरी जगह कहीं पर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे इसलिए आप सिलेक्ट कर देंगे। जैसे आप इतना कर लेते हैं, तो अब हमारा पूरी तरह बन के तैयार। ये पूरी जो है फोटो भी फुल लेयर कर देना है, और ये इसको भी फुल पे कर देना है जहाँ तक हमारा वीडियो है। इतना करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा कई बटन बन के तैयार हो। तो यहाँ पे एक बार चला के आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। अभी आपको ये वीडियो में जैसे लगाना है, तो आपको जब भी वीडियो में लगाना है तो यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे आप इसको सेव कर लेंगे, बताते हैं किस तरह से आपको लगाना होता है। सेव हो जाता है तो ये सेव हो गए हैं हमारा दोस्तों। तो यहाँ पर बैक आ जाना है। अभी आपको बताते हैं किस तरह से आपको किसी भी वीडियो में लगाना है। तो ये मान लीजिए हमें एक वीडियो है जिसपे हमको लगाना है, यहाँ पे हमको लगाना है। तो यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने पर काइन मास्टर पे जहाँ पे हमें बना रखे थे, यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पे इतना बड़ा है, तो अपनी
उसके साइज के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है कितना बड़ा रखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पे आएंगे तो यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन आता है। क्रोमा की को जैसे ही इनेबल करेंगे दोस्तों तो देख पा रहे होंगे हमारा ग्रीन स्क्रीन जितना भी था वो यहाँ से गायब हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए किस तरह से आपको लगाना है और किस तरह से आपको बनाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम।